पूरे देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे हर्षोल्लास के साथ 14 अप्रैल को 130 जयंती मनाई गई, जिस पर अनेक आदर्शों के द्वारा बनाए गए संविधान के बारे में लोगों को विस्तृत जानकारी दी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मटेरा क्षेत्र असवा मोहम्मदपुर इलाकों पर भी धूमधाम से मनाई गई। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि बहराइच के मटेरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा असवा मोहम्मदपुर के ऋषि नगर गांव में युवाओं द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। मटेरा क्षेत्र के लोगों ने कोरोना की महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहने हुए दिखे। इस कार्यक्रम में मटेरा क्षेत्र के असवा मोहम्मदपुर लोग मौजूद रहे। आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती, जो भारत के संविधान निर्माता हैं उनके और हमारे समाज के जो मुखिया है उनकी आज जयंती मनाई गई और गाँव के लोगों ने उत्साह दिखाया। पहली बार उन्होंने अग्रह किया जी, इसके बारे में आपके यहाँ क्षेत्रवासियों को क्या क्या चीज़ें बताई गई डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में? बताया गया कि बाबा साहब का जो संघर्ष जीवन संघर्ष था उसके बारे में, कि उन्होंने यहाँ तक का ये पैगाम हासिल किया, उनकी पढ़ाई से लिखाई के रहन सहन से सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए। दिनांक 14 अप्रैल 2021 को जयस्तंभ चौराहे पर गंज बासुदा पुलिस द्वारा जनता को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करने के लिए मैं हूं कोरोना दूत एक सेल्फी कटआउट तैयार किया और जिन लोगों द्वारा मास्क नहीं लगाया जा रहा है उनके कटआउट में फोटो लेकर उनके हाथ पर मैं हूं कोरोना दूत की सील लगाई गई। बाद में उन्हें फ्री में मास्क दिया गया और एक घंटे के लिए खुली जेल में कोरोना से बचने के उपाय लिखने को कहा, जिससे जन जन में कोरोना के प्रति जागरूकता आए। इस कार्यक्रम में एसडीओपी गंज बासुदा भारत भूषण शर्मा, थाना प्रभारी गंज बासुदा शहर सुमित देसाई, थाना प्रभारी गंज बासुदा देहात बीडी वीरा, यातायात पुलिस बल और राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इस कटआउट और इन प्रतियोगिताओं का अर्थ ये है कि कोविड-19 से अवेयर रहे और साधनों का सैनिटाइजर मास्क सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, कोरोना से डरे नहीं, कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना को हमको भगाना है इन साधनों का उपयोग करके। आप हाथ पर सील क्यों लगा रहे हैं सर? ये इसीलिए अवेयरनेस के लिए कि वो जागरूक हो, पहली बार मास्क का उपयोग करके आए और इस तरह निबंध भी दूसरे दिखा रहे हैं, निबंध प्रतियोगिता खुली जगह पे ग्राउंड पे रखी है। प्रदेश सरकार ने एक दिन पहले ही कोविड-19 के बढ़ते असर को रोकने के लिए अलग अलग मंत्रियों को जिले की जिम्मेदारियां दी हैं। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी को विदिशा और रायसेन जिले की जिम्मेदारी दी गई। आज देर रात को 9 बजे के लगभग प्रभुराम चौधरी सागर होते हुए विदिशा पहुंचे। उन्होंने यहाँ मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 की तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कंट्रोल कमांड सेंटर में उन्होंने वीडियो कॉलिंग करी और CCC में भर्ती मरीजों और होम आइसोलेशन पर भर्ती मरीजों से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत कर उनका हाल जाना। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे देश में सरकार कोरोना से लड़ने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। शासन प्रशासन सभी कर्मचारी नगरपालिका स्वास्थ्यकर्मी डॉक्टर लगातार काम कर रहे हैं। एक दिन पहले 2 स्वास्थ्यकर्मी महिलाओं की मौत पर उन्होंने शोक व्यक्त किया, शासन की ओर से हर संभव मदद की बात कही। नटेरन के डॉक्टर विजय ठाकुर पर कार्यवाही की बात कही। प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री के लापता होने के पोस्टर के मामले में उन्होंने कहा कि मैं आपके सामने हूँ, लापता नहीं हूँ। उन्होंने इस प्रक्रिया को विरोधियों की चाल करार दिया। हमारी टीम जो हमारे पैरा मेडिकल स्टाफ, हमारे फ्रंट लाइन वर्कर, चाहे रेवेन्यू के हों, चाहे हमारे नगर निगम के नगर पालिकाओं के लोग हों, चाहे हमारे सफाई कर्मी हों, सभी को जो हौसला उन लोगों ने काम कर रहे हैं, उन लोगों की मदद कर रहे हैं, उन सब के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और सब लोग लगकर मिलकर निश्चित रूप से इस महामारी से हम इस जंग को जीतेंगे और सब लोग स्वस्थ हो रहेंगे। मंत्री जी, ये देखने में आ रहा है डॉक्टर्स जो मेहनत कर रहे हैं, राजस्व विभाग, कलेक्टर, SP, सभी लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन जनता इसको समझने तैयार नहीं। लॉकडाउन लगाया, खुलेआम घूम रही, आज पूरा बाजार बंद था लेकिन जनता बाहर घूम रही, शक्ति कहाँ है? अब जनता के हितों के लिए देखिए इतना जागृत करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इतना अनाउंसमेंट कर रहे हैं, सब लोगों को बातचीत कर रहे हैं, सबसे किसने हम लोग होर्डिंग लगा रहे हैं कि भैया आप लोगों को अपने लोगों से, अगर अपने परिवार के लोगों से, अपने पड़ोसी से, अपने दोस्त मित्रों से, सबसे अगर आप लोग प्यार करते हो तो आपको ये सब गाइडलाइन। भारतीय जनता पार्टी जिला आगरमालवा सुसनेर मंडल के निर्देशानुसार भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं जयंती
पर गांव पायली में हरिजन बस्ती में भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में वक्ता के रूप में भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य देवकरण मीणा पंडा जी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कार्यक्रम में देवकरण मीणा पंडा जी ने सभी गणमान्य नागरिकों को मास्क का वितरण किया और कोरोना जैसी महामारी से बचने के उपाय बताए और 2 गज दूरी मास्क जरूरी इस प्रकार की बातें सभी को समझाई। इस अवसर पर युवा कार्यकर्ता कैलाश मालवीय, राजेश बिराला, हरि सिंह, प्रेम वर्मा, बलराम राव और बस्ती के सारे कार्यकर्ता उपस्थित थे। गरीबों के मसीहा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है। भीमराव अंबेडकर का जीवन अगर देखा जाए तो शोषित, गरीब, दलित, पीड़ित और के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने जीवन को दलितों के रूप में, उनके उत्थान के रूप में जो कुप्रथाएं भारत के अंदर मौजूद थी, छुआछूत, वर्ग भेद, जाति भेद, इन सब का जो शोषण हो रहा था, लेकिन भीमराव जी अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन एक समाज के लिए, इस देश के विकास के लिए, इस देश को एक सही जगह और इस देश के मानव जन के लिए, उन्होंने जन कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आज के पावन पर्व नववर्ष वैसाखी नवरात्रि के एक साथ होने की खुशी में राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आरएस बालाजी अपने दलबल के साथ अपने बिंदापुर कार्यालय में गाड़ियों में गाजियाबाद के दास्ता में अखिल भारतीय संत महापरिषद के राष्ट्रीय संयोजक पति नरसिंहानंद सरस्वती जी से मिलने पहुंचे। आपको बता दें कि आरएस बाली और उनके संगठन के सभी कार्यकर्ता स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज जी से मिल चुके हैं और उनको पूरा समर्थन देने का वादा भी कर चुके हैं। आज इसी वादे को निभाने के लिए वो अपने दलबल के साथ दासना पहुंचे और स्वामी यति नरसिंहा महाराज को तलवार भेज कर स्वागत किया। प्रसन्नता का विषय है कि हिंदुओं के शेर जाग रहे हैं और मैं इन जागते हुए शेरों को देखकर बहुत प्रसन्न हूं। इन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। माँ और महादेव से मेरी प्रार्थना है कि इनकी सभी मनोकामना पूरी करें, इन्हें बल दें, इन्हें शक्ति दें, ताकि ये धर्म को भी बचाएं, अपने परिवार को भी बचाएं, अपने आप को भी बचाएं और हमें भी बचाएं। इन्हीं की शक्ति पर हम लड़ रहे हैं। अगर ये साथ नहीं है तो हमारी लड़ाई का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत इनको आशीर्वाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। देखिए, ये महाकाली के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। यहाँ साक्षात माँ और महादेव विराजमान रहते हैं। ये नवरात्रि के पहले दिन आए हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है और मेरा इनसे अनुरोध है कि जैसे इन्हें समय मिले आते रहें। यहाँ माँ के चरणों में जो भी आता है, माँ और महादेव उसकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। तो मेरा बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इनके लिए। पूरे देशवासियों को केवल इतना ही संदेश रहेगा कि सभी लोग खड़े हो जाएं अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विदेश में निर्मित कोविड रोधी टीकों के भारत में उपयोग को मंजूरी देने की तैयारी को लेकर बुधवार को महात्मा गांधी के एक कथन का हवाला देते हुए सरकार पर कटाक्ष किया। उन्होंने महात्मा गांधी के एक चर्चित कथन को उद्घृत करते हुए ट्वीट किया, पहले वो तुम्हारी उपेक्षा करेंगे, फिर तुम पर हंसेंगे, फिर वो तुमसे लड़ेंगे, फिर तुम जीत जाओगे। दरअसल राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले सरकार से आग्रह किया था विदेश में निर्मित टीकों के भारत में उपयोग को अनुमति दी जाए। दिल्ली की तिहाड़ जेल से 3,400 से ज्यादा कैदी गायब हैं। कोरोना के दौरान 1,184 अलग अलग मामलों में दोषी कैदियों को इमरजेंसी पैरोल मिला था, जिनमें से 1,072 कैदियों ने सरेंडर किया जबकि 112 कैदियों ने सरेंडर नहीं किया। इसी तरह जेल में बंद 5,556 विचाराधीन कैदियों को कोरोना के दौरान जमानत दी गई, जिसमें से 2,200 कैदी जेल का समय खत्म होने से पहले वापस आ गए जबकि करीब 3,300 विचाराधीन कैदी अब तक नहीं लौटे हैं। देश में तेजी से पाव पसार रही कोरोना महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने बुधवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी है जबकि 12वीं की परीक्षा स्थगित करने का फैसला किया है। इसका प्रभाव देश भर के 21 लाख से अधिक छात्रों पर पड़ेगा। ये पहला मौका है जब CBSE के 10वीं की परीक्षा पूरी तरह से रद्द की है। पिछले साल महामारी के कारण परीक्षा आंशिक रूप से रद्द की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई बैठक में परीक्षाओं के संदर्भ में यह फैसला लिया गया। स्वेज नहर में फंसे विशाल जहाज जिसके कारण करीब एक सप्ताह तक दुनिया भर का व्यापार थम कर रह गया था, कोर्ट के आदेश पर जब्त कर लिया गया है। स्वेज नहर के अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि विशाल जहाज के मालिकों की ओर से $900 मिलियन की राशि दिए जाने के बाद भी इस जहाज को छोड़ा जाएगा। गौरतलब है कि 2 लाख टन का MV एवर गिवन नाम का विशाल जहाज पिछले साल स्वेज नहर में फंस गया था।
हिंदू महासागर क्षेत्र में चीन की मौजूदगी पर भारतीय नौसेना ने कहा है कि इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। एडमिरल करमवीर सिंह ने बुधवार को कहा कि इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि चीन हिंद महासागर क्षेत्र में कदम रख रहा है, क्योंकि उसके ऊर्जा स्रोत, बाजार और संसाधन पश्चिम में स्थित हैं। पाकिस्तान में एक मौलाना की गिरफ्तारी के बाद से उसकी कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जगह जगह हिंसक झड़प हो रही है। पत्थरबाजी, आगजनी और हिंसा के चलते सड़कें जैसे जंग का मैदान बन गई हैं। लाहौर एक तरह से जल रहा है। सोशल मीडिया पर सिविल वॉर इन पाकिस्तान ट्रेंड कर रहा है। गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। कप्तान बाबर आजम के शानदार शतक और उनकी मोहम्मद रिजवान के साथ 197 रन की ओपनिंग साझेदारी की मदद से पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका के तीसरे T20 मुकाबले में बुधवार को 9 विकेट से पीटकर 4 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। दक्षिण अफ्रीका ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 203 रन का मजबूत स्कोर बनाया, लेकिन पाकिस्तान ने 18 ओवर में ही 1 विकेट पर 205 रन बनाकर मैच समाप्त कर दिया। इस पारी के साथ ही बाबर आजम ने पाकिस्तान की तरफ से सबसे तेज T20 शतक जड़ने का रिकॉर्ड बना दिया। IPL 2021 का छठा मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया। इस मुकाबले में RCB ने हैदराबाद के सामने जीत के लिए 150 रन का लक्ष्य रखा था, लेकिन हैदराबाद की टीम 9 विकेट खोकर सिर्फ 143 रन ही बना सकी और मुकाबला 6 रन से हार गई। SRH की ओर से सबसे ज्यादा 54 रन कप्तान डेविड वार्नर ने बनाए, पर उनका अर्धशतक टीम के काम नहीं आ सका। सरकार चालू वित्त वर्ष के दौरान खुली बिक्री पेशकश के जरिए नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में 20% और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स में 10% हिस्सेदारी की बिक्री करेगी। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने इस प्रस्तावित शेयर बिक्री के प्रबंधन के लिए मर्चेंट बेकरों से बोलियां आमंत्रित की है। कार्तिक आर्यन की फिल्म धमाका बीते लंबे वक्त से चर्चा में है। कभी फिल्म की कास्ट को लेकर तो कभी फिल्म की शूटिंग अवधि को लेकर फिल्म खबरों में बनी रही। अब फिल्म से जुड़ी लेटेस्ट खबरों की माने तो इस फिल्म ने रिलीज होने से पहले ही रिकॉर्ड बना दिया है। ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर बिकने वाली अब तक की सबसे महंगी फिल्म बन गई है। इस फिल्म के साथ ही कार्तिक आर्यन ने अक्षय कुमार, वरुण धवन समेत सभी स्टार्स को पीछे छोड़ दिया है।